फ्रेंड, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं लेके आ गई हूँ न्यू रेसिपी के वीडियो, पूरा यूनिक तरीके से न्यू है। आई होप आप लोग को भी अच्छा लगेगा ये रेसिपी की वीडियो। और घर में इतने सारे पूजे पाठ हो रहे हैं, यानी फेस्टिवल आ रहे हैं, तो इसमें कौन नहीं चाहेगा अपने हाथों से मिठाइयाँ बनाना, ये होगी ज़रूर। आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, मेरे पूरा वीडियो में बने रहिएगा बिना स्किप करके। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए गाइस, ये पूरा पहले आपको दिखा दूँ इसका लुक कैसा लग रहा है। पूरा मार्केट में जैसे एप्पल मिलता है ना, वैसे ही लग रहा है। कोई बोल ही नहीं सकता कि ये मिठाई है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या क्या इसमें लगा है बनाने के लिए। तो सबसे पहले मिक्सी में मैं काजू बादाम ले ली हूँ। इसको गूरा यानी पाउडर के जैसा बनाना चाहती हूँ तो बनेगी नहीं, तो इसके लिए छन्नी है, छन्नी से छान ली हूँ। और कढ़ाई गर्म हो चुकी थी तो मैं इसमें डाल के थोड़ा स्वाद अनुसार चीनी डाल दी हूँ। ऊपर से दूध, केसर और थोड़ा घी भी ऐड की हूँ। शॉर्ट वीडियो में तो उतना बताना नहीं होता है, इसीलिए लॉन्ग वीडियो में हम लोग डिटेल्स में बताते हैं। और इसको अच्छे से चमचे से अच्छे से पका ली हूँ। और थोड़े देर के लिए, आधा घंटा करीब, मैं छोड़ दी थी ठंडा होने के लिए। और जैसे ही ठंडा हो चुकी है ना गाइस, तो उसके बाद हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगा ली थी। ऑयल लगा लेने के बाद इसको गोल गोल शेप करके उंगली से प्रेस कर दी हूँ ताकि ये एप्पल का जैसा लुक आ जाए देखने में। और ब्रश की सहायता से मैं यहाँ फूड कलर यूज़ कर रही हूँ, एप्पल वाला जो रेड कलर होता है, फूड कलर। और डेकोरेशन के लिए लौंग ली थी और ड्राई फ्रूट्स ली थी, जो कि अवेलेबल रहता ही है मार्केट में, आप लोग जानते ही हो ड्राई फ्रूट्स। तो देखिए ऐसा लुक बना है। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये स्वीट्स मिठाई की रेसिपी, एप्पल शेप वाली? आई होप आप लोगों को बहुत बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग भी घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बना के ज़रूर फेस्टिवल में यूज़ कीजिएगा, खाइएगा, दूसरे मेहमानों लोग को भी खिलाइएगा ज़रूर। आई होप उन लोग को भी बहुत पसंद आएगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा इसमें शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी अपने घरों में बनाएं। और ऐसे ही बने रहने के लिए आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि आप लोग के लिए कौन सी न्यू रेसिपी लेके आऊँ आप लोग के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइज़।